वीडियो ग्राफी कर रहे हैं कि ऑडियो? नहीं, ऑडियो कॉल है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं समिली के पूर्व प्रमुख मणिकांत यादव जी हैं, जिला परिषद भी रहे हैं और राजद प्रवक्ता भी यह रह चुके हैं। तो हमारा इनसे सवाल है और हमारे चैनल के दर्शकों को आप बताइए कि आपकी पार्टी जो है पूर्णिया का जो रुपोली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में आपके पार्टी से उम्मीदवार थी बीमा भारती, आखिर क्यों हार गए, इसका क्या कारण है बताइए हमारी जनता को। हमारी पार्टी अगर आप ठीक से एनालिसिस कीजिए तो हारी नहीं है। अच्छा, हम जीते हैं। आप जीते हैं लोकसभा में, प्रत्याशी शंकर सिंह चुनाव जीत गए ना वो। हाँ हाँ हाँ, पूरा सुनिए तो। हाँ, बीमा जी को लोकसभा चुनाव में 27-28 हजार वोट आया था पूरे लोकसभा में जी, 6 विधानसभा में जी, और इस उपचुनाव में अकेले रुपोली में 30 हजार से अधिक वोट आया। अच्छा, पहली बात जी। दूसरी बात यह कि हमारी पार्टी वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यक और जन अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ती है, उनके हकों की बात करती है। हम जिस स्थान पर हैं वहाँ हम बहुत संतुष्ट तो नहीं है, हमारा जो रिजल्ट जो आया है, तो इस बारे में हम ये कहेंगे। हाँ, यहाँ जदयू भी लड़ रही, चुनाव लड़ रही थी जदयू। अच्छा, और भाजपा गठबंधन के साथ लड़ रही थी। ठीक, और भाजपा के नेता ने, एक बड़े नेता ने, विजय सिन्हा है, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि शंकर सिंह जो निर्दलीय जीता वो भी हमारा ही आदमी है। अच्छा, ठीक, ये बयान दिया है। हाँ, ठीक। लड़ाई को समझिए, हम समाजवादियों का नारा है, हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन इसके, इस नारे के खिलाफ में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब वंचितों को जगाना शुरू किया उसके खिलाफ में तरह तरह की साजिशें की गई, और उसमें एक साजिश यह भी था कि कैसे वोट तुम्हारा राज हमारा कायम रहे, और आज उसमें सफलता उसने पा ली है ये करने में। रुपौली विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक का क्षेत्र है, पूरे बिहार में इससे बड़ा अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का कोई चुनाव क्षेत्र नहीं है विधानसभा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, इसलिए हम एक और बात पूछना चाहते हैं। इस बार लोग निर्दलीय का हवा क्यों बना रहे हैं, जिस तरह से पप्पू यादव का चुनाव चिन्ह था कैची छाप, लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय सबसे उठकर उनको वोट किया, नंबर एक। दूसरा यह भी देखने को मिला आपको रुपोली में चुनाव शंकर सिंह निर्दलीय में खड़े थे, उनको जो है तमाम राजद के पार्टी के जितने भी विधायक थे आपके छोटे से बड़े पद से लगातार रुपोली में दौरा कर रहे थे, तेजस्वी यादव भी मन से लगातार बीमा भारती का वोट मांगते रहे, आपको नहीं लगता है कहीं की तेजस्वी यादव जी के साख पर भी कोई असर पड़ा है? कोई असर नहीं पड़ा है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी, पार्टी सत्ता पाने के लिए या जीत हार, चुनाव जीतने हारने के का संगठन नहीं है। अच्छा, हमारा संगठन तो सामाजिक न्याय की एक लड़ाई लड़ने वाला संगठन है जी, मोर्चा है जी। वर्षों से वंचितों, शोषितों की जो लड़ाई लड़नी है, जो गैर बराबरी है, उसकी लड़ाई लड़ने वाला एक संगठन का नाम आरजेडी है जी। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना जी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई जारी है। अच्छा, और जनता ने निर्दलीय को अगर जिताया है लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में पप्पू जो परिस्थितियां बनी उससे आप वाकिफ है। और पप्पू यादव जी निर्दलीय और शंकर सिंह निर्दलीय तुलना नहीं कर सकते, एक समान नहीं है दोनों जी, अंतर है, बड़ा अंतर है। अच्छा, यहाँ लड़ाई वोट हमारा है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वोट उसका है, और कैंडिडेट भी हमारा उसी में से है जी। हमारा भी और जदयू का भी। अच्छा, लेकिन दोनों हारते हैं और जीतता कौन है,
जो शोषक शोषण और शोषक वर्ग की लड़ाई है, शोषित और शोषित शोषक वर्ग की लड़ाई में, अगर आज आप हमारे वोट से हमारा आदमी हार नहीं जीतता है, हार जाता है, तो कहीं न कहीं हमारी कमी है। हम उस लड़ाई में कहीं न कहीं कमजोर पड़े हैं। हम अपनी बात पहुंचाने में असफल रहे हैं। अच्छा, अन्यथा निर्दलीय क्यों जीत जाएगा? अच्छा, जब दो पार्टी है, वैसे जब जनतंत्र में ये छूट है, जनता मालिक होती है, लेकिन जनता, हमारी जनता, उसको उस तक बात पहुंचाने में हम कहीं न कहीं और सफल रहे। मतलब आप जनता से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाए? नहीं, कनेक्ट हैं, लेकिन हम उनको समझा पाने में जो 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 लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ाई है सामने में, अभी आपको बता रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई है। तो यहाँ एक मिनट, भाजपा वालों ने EWS लागू कर दिया, पूरे देश में किसी ने कुछ नहीं कहा। वो 50% जो संवैधानिक सीमा है उससे अधिक हुआ ना, 10%। ठीक, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब जाति सर्वे करा कर हमारी सरकार ने, जब सरकार थी हमारी, हम सरकार में शामिल थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे जी, और हम सरकार में शामिल थे, RJD शामिल थी, उस समय जातीय सर्वे हुआ और जाति सर्वे के आधार पर जो है निर्णय लिया गया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जी। ये नारा हमारे जगदेव बाबू ने दिया था जी। तो वो उसको लागू करने का काम जब किया सरकार ने, तो उसको आरक्षण उस आधार पर दे दिया। हमारी आबादी जो है गिनती हुई तो 63% है, और 63% 65% जो है आरक्षण देने का काम किया गया। 65% और 10% उसको भी रहने दिया गया, उसको हम लोग छेड़े ने, उसका विरोधी भी हम लोग नहीं है, तो 75% आरक्षण दिया गया। देखिए, उस 10% पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा जी, और वहाँ इस 65% को निरस्त कर दिया, रोक लगा दिया इस पर, बढ़े हुए आरक्षण पर। अच्छा, तो इसकी लड़ाई अब लड़नी है। अब माननीय नीतीश कुमार जी को ही फैसला करना है कि इस आरक्षण के सवाल पर वो चुप रहेंगे, कुर्सी पर बैठे रहेंगे, भाजपा के साथ में उसका गीत गाते रहेंगे, कि वो अपने समाज के लोगों का, जिनके लिए वो नेता हैं, उनकी बात करने की बात वो करेंगे। यहाँ पे तो देख रहे हैं सर, रुको में, अभी जो चुनाव हुआ रुपोली में, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है RJD, और नीतीश कुमार का जो है कितने विधायक हैं तो आप पे छुपा ही नहीं है, लेकिन आपको 3 नंबर पे भेज दिया या राजद को 2 नंबर पे वो। हाँ बताइए, कोई बात नहीं, तो लड़ाई है ना, संघर्ष है। अच्छा, संघर्ष है। हम बड़े बड़े मुकाम के लिए, चुनाव जीत हार तो जनता के हाथ में है ना। अच्छा, जनता, हम जिस जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी जनता के ऊपर है, जिस दिन समझ जाएगी वो फिर अब चुनाव भी जिताएगी। अच्छा, और चुनाव जीतना इसलिए जरूरी है कि बगैर चुनाव जीते सत्ता नहीं आएगी, और सत्ता नहीं आएगी फिर जिसका काम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो काम नहीं होगा। मैंने देखा रुपोली में तमाम दल के नेता सब एकदम दौरा करते रहे, हर जगह चुनावी जनसभा किया, और निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो अपना जो है अब जीत गई, उसकी पत्नी जो है लगातार कैंपेन करती रही और जनता से कनेक्ट हुई, प्रतिमा देवी उनकी पत्नी का नाम है, और जिला परिषद है रुपोली से। उसके उस मेहनत के लिए, उनके जीत के लिए, जीतने वाले माननीय विधायक शंकर जी को बधाई। चलिए ठीक, उनकी पत्नी को उनके मेहनत के लिए शाबाशी जी, साधुवाद बिल्कुल। लेकिन हमारा मुद्दा अलग है, हम बात अलग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा हम चुनावी लड़ाई के लिए हमारा संगठन नहीं है, हमारा संगठन तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का एक मोर्चा है। जनता का, जनादेश का आप सम्मान करते हैं? बिल्कुल सम्मान करते हैं, बिल्कुल सम्मान करते हैं। जनता जब तक समझ नहीं जाती है तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, हम उनको समझाने का काम जारी रखेंगे। हमारे सारे नेता, हम लोग खुद, जितने लोग भी वहाँ प्रचार करने गए, जो भी हमारा साथी वहाँ प्रचार कर रहा था, काम कर रहा था, जनता से वोट मांग रहा था, वो तमाम लोग एक ही बात कर रहे थे, किस मुद्दे पर क्यों वोट करें।
सर एक और बात बताते हैं, जब चुनावी में हम दौरा कर रहे थे तो लोग कहते थे नेता सब जो है खाली अपने विकास करता है और अपने बाल बच्चा को जो है विधायक में टिकट दे देता है। जैसे अशोक चौधरी ले लीजिए, माननीय बिहार सरकार में मंत्री है और उनके भी बेटी जो है शंभवी चौधरी जी अभी सांसद हैं वर्तमान में, और प्लस में चिराग पासवान का भी पार्टी ले लीजिए, उसके टोटल परिवार में सांसद है, ये है सब है। और नीतीश कुमार भी जानते हैं, जिस समय वह भाजपा में रहते हैं उस समय उसको परिवारवाद दिखाई चले जाता है, जब राजद में चले आते हैं उस समय परिवारवाद नहीं दिखता है, और वही बीजेपी वाले भी कहते हैं कि परिवारवाद है। इस पर क्या आप कुछ कहना चाहिएगा? मेरा इस पर बहुत साफ साफ है, वैसे तो हमारा उम्मीदवार बीमा जी किसी परिवारवाद का नहीं है। इस इलाके में जितने उम्मीदवार लड़ते हैं, हमारे कैंडिडेट हो या और पार्टी, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ कोई परिवार वर्ग का ऐसा है। लेकिन उस पर हमारा कहना ही है, जो आप बात पहुँचा दिए सेंट्रल लेवल तक का, उसमें मेरा यही कहना है कि वो कोई रहे, किसी का बेटा रहे, किसी की बेटी रहे, तय तो जनता को करना है। जनता तय कर दी, जनता ने अगर चुनाव जिता दिया, हाँ राज्यसभा में भेज दिया, विधान परिषद में भेज दिया, तो वो माना जा सकता है, वो गलत हो सकता है। परिवार है आपके हाथ में है तो आप बना दिए, लेकिन जनता के बीच अगर मैदान में उतार के अगर वोट से कोई एमपी एमएलए बनता है तो उसको फिर परिवारवाद के दायरे में खड़ा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जनता जिसको पसंद करती उसको जिता दिया और हर जीतने वाले को बधाई, और उसको जो जनता ने जिस उम्मीद से आशा से वोट किया है। आप भी कार्यकर्ता है, राजद के प्रवक्ता है, इस पर क्यों राजनीति करते हैं? जनता को क्या समझते हैं ये लोग? हाँ जनता को ये लोग क्या समझते हैं? कभी इधर राजनीतिक में ये बात, कभी वो बात, इस पर आपकी नहीं, जनता तो मालिक है, जनतंत्र में जनता ही मालिक, लोकशाही में लोक की चलती है, नेताओं की नहीं चलती है जी, लोकशाही है, यह जनता का राज है। अच्छा, जनता जनता जिसको चुनती है अपना प्रतिनिधि, वो पूरे जैसे आज कुछ वोट लेकर के, कुछ भाग, बड़ा भाग लेकर के कोई एक प्रतिनिधि बनता है, किंतु वह जो प्रतिनिधि होगा वो संपूर्ण विधानसभा का प्रतिनिधि होगा, संपूर्ण लोकसभा का प्रतिनिधि होगा, जितनी आबादी है उस सबका, जो वोटर नहीं उसका भी एमपी होगा, उसका भी एमएलए होगा जी। तो उसका, उसके जिस उद्देश्य से जनता जिताती है, लोग वह अपेक्षा करता है कि वो काम करे, तो जनता के दुख सुख में शामिल रहे, उपस्थित रहे, एक आवाज पर चले आए, जो भ्रष्टाचार है कार्यालय में, अंचल में, ब्लॉक में, थाना में, जहाँ जनता को जरूरत है वहाँ उसको मदद मिले, यही तो जनता चाहती है। बाढ़ में, अगलगी में, विपदा में, सुख में, दुख में जनता चाहती है हमारे बीच रहे, इसलिए उसका प्रतिनिधि है, उस पर खड़े उतरना चाहिए सभी प्रतिनिधि को। जो जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और हम लोग अपने हार की समीक्षा करेंगे, हमारी पार्टी करेगी, हमारे नेता करेंगे, और हम क्यों असफल हुए, हम अपनी बात समझाने में रुपोली की जनता को क्यों असफल रहे, इस पर जरूर समीक्षा होगी, और उसके आगे उस सफलता प्राप्त करने के लिए फिर जो करना होगा वो हमारी पार्टी करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना एक बार हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामना आपके साथ। सोशल मीडिया में लगातार हम आजकल का जो दौर है, YouTube और Facebook पे जो लोग ज्यादा बने रहते हैं, तो क्या कुछ लगा सर थोड़ा बताइएगा हमारे चैनल के बारे में? नहीं, आपका चैनल अच्छा है, आप समेली और अभी आसपास के इलाके का आप देते रहते हैं, कटिहार पूर्णिया कुछ बहुत तो आप बाहरों का ले आते हैं, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, आपकी मेहनत के लिए हम सैल्यूट करते हैं आपको, और जिस तरह से हम समेली की लड़ाई लड़े हैं और लड़ ही रहे हैं, अभी तक पूरा हम मुकाम हासिल नहीं हुआ है जी। अभी ब्लॉक हॉस्पिटल स्टेशन बना, लेकिन चालू स्टेशन नहीं हुआ, लड़ाई मेरी जारी है। अलग हम जनता के बीच वो उस जैसे हम कर रहे हैं उसमें आप जैसे समेली के पत्रकारों का योगदान अपेक्षित है मेरे लिए जी, और वो आप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय सर हमारे एक बार दर्शकों को दे दीजिए। मणिकांत यादव, राजद के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जी, पूर्व प्रमुख समेली जी, चलिए यही मेरा परिचय है। चलिए बहुत बहुत